जीत का जुनून होना चाहिए, जज्बा हो लड़ने की। पीएम मोदी ने वो सारी काबिलियत ट्विटर पर मैसेज के बाद अब बिहार की राजनीति भी गरमा गई। हम बात करें जीतनराम मांझी की, यहाँ देखिए जीतनराम मांझी ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान की जीत की बधाई पहले ही दे चुके हैं। देखिए पहला रुझान अभी आ चुका है जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी तो आगे चल ही रही है लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अभी ट्रेलर, अभी यूँ कहा जाए कि अभी ट्रेलर चल रहा है, पूरी फिल्म शाम तक आनी बाकी है। लेकिन जीतनराम मांझी ने एक्स पर पहले ही पीएम मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी। उन्होंने साफ तौर से लिख दिया कि जीत का जज्बा और जुनून चाहिए तो आसमान भी धरती की कदमें चूमती है। चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतगणना जारी है, यानी आज। शुरुआती रुझान में तीन राज्यों में बीजेपी को मिली बढ़त से एनडीए उत्साहित है। ताज़ा रुझान के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। तीन राज्यों में मिली बढ़त से उत्साहित पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने पीएम मोदी को बधाई दे दी है। जीतनराम मांझी ने एक्स पर लिखा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज होनी चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी का जलवा है, भारत को बड़ी जीत की बधाई, हर एनडीए कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। इंडिया वालों ने आईएनडीआई गठबंधन को धूल चटा दी है। बता दें कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज चार राज्यों के मतों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का काम शुरू हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती हो रही है जबकि मिजोरम में हुए चुनाव की मतगणना कल यानी सोमवार को होगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव के मतगणना में बीजेपी को बढ़त मिली है जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। शाम होने से पहले सभी चार राज्यों के चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने पहले ही से तीन राज्यों के लिए पीएम मोदी को बधाई दिया और कहा कि यह मोदी का जलवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।